मित्रों, आपके पास अगर पैसा आते आते रुक जाता है, आप जो भी काम करने जाते हो उस काम में कोई अड़चन आ जाती है, तो आज का वीडियो आपके बहुत काम का है। इस चीज़ के दो तीन प्रयोग हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। इसको नहाने के पानी में भी आप डाल सकते हो, इसके अलावा इसको आप छिड़क भी सकते हो घर में। घर में मुख्य द्वार पर छिड़क दोगे ना इस चीज़ को, तो आप देखना कितना चमत्कार आपके जीवन में होने लगेगा। अभी बताती हूँ मित्रों, क्या है ये पवित्र चीज़। मैं हूँ डॉक्टर उमाश्री, आप सबकी अपनी ज्योतिषी। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मित्रों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ प्रसन्नता से होंगे। मित्रों, अपनी कुंडली का परामर्श लेने में देरी मत करिए। आने वाला जो समय है उसमें आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपकी किस्मत में क्या लिखा है, क्या हो सकता है और किस तरह के बदलाव आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं। ये सब कुछ आपकी कुंडली बता देती है और आपको किस चीज़ से बचना है, क्या प्रयोग करना है, इन सब चीज़ों को समय रहते ही जानना मित्रों सही रहता है। जब कोई परेशानी आती है उसके बाद कोई किसी ज्योतिषी के पास जाता है, तो ज्योतिषी कोई भगवान तो है नहीं जो चमत्कार कर देगा, और फिर अगर कोई चमत्कार का दावा भी करता है तो वो अच्छे खासे पैसे बना लेता है आपसे। तो क्या फ़ायदा इससे? बहुत ही सस्ते सुंदर उपाय मैं आपको बताती हूँ और बहुत खर्चा भी आपको नहीं करना पड़ता। तो इसलिए तुरंत आप संपर्क करिए और अपनी कुंडली का परामर्श लेकर अपने जीवन को सुखमय बनाइए। किसी को अपने अनुकूल बनाना चाहते हैं, आपकी कहीं चल नहीं रही है, आपका दबदबा कायम नहीं हो रहा, लोग हमेशा आपको डाउन और बेइज्जत करते रहते हैं, तो रेकी हीलिंग और एंजल हीलिंग कराकर अपने अंदर पावर पैदा करवाइए। आपकी जो सुप्त शक्तियाँ हैं उनको ये सब प्रक्रिया जागृत करती है, जिसके जरिए कोई आप पर हावी नहीं हो पाता है। लामा फेरा हीलिंग के जरिए भी अपने व्यक्तित्व को उज्जवल बनाने की प्रक्रिया की जा सकती है। तो आप चाहें तो इन सब चीज़ों के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं, लेकिन आपका इनमें विश्वास होना जरूरी है। यदि आपको इनमें विश्वास नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं रह जाता। चलिए अब वो बात बताती हूँ जो आप जानना चाहते हैं। ये है मित्रों बहुत ही खास चीज़, ये है मित्रों गौमूत्र। गौमूत्र जो है कई चिकित्साओं में काम आता है, कई रोगों को समाप्त करता है, लेकिन ये सबसे बड़ी जो चीज़ है वो ये है कि वातावरण को बहुत ही पवित्र करता है। तो जब भी किसी घर में भय लगे या उच्चाटन हो या कोई काम आपका बन नहीं रहा है, तो इस गौमूत्र को आप सुबह सुबह घर के चारों तरफ, घर के मुख्य द्वार पर, छत पर, कमरों में छिड़क दीजिए और कुछ ही दिनों में आपको चमत्कार महसूस होने लगेगा। गौमूत्र जो है ज़्यादा महंगा भी नहीं आता है, और सबसे अच्छा तो ये है कि यदि आप किसी गाय माता जहाँ पर रहती हैं वहाँ गौपालक से ताज़ा ताज़ा गौमूत्र भरवा कर ले आइए, उनको पेमेंट भी कर दीजिए, और अगर उस गौमूत्र को आप कहीं छिड़क देते हैं तो उसका तो मुकाबला ही नहीं है मित्रों, मुकाबला ही नहीं है। तो आप ये काम जरूर करके देखिए। इसके अलावा स्नान के पानी में भी आप डाल सकते हैं, स्पेशली जिनके अष्टम स्थान में राहु बैठा है या जिनकी राहु की महादशा चल रही है, जिनको काल सर्प दोष है, तो उनको भी गौमूत्र डालकर स्नान करना चाहिए। इससे बहुत ही ज़्यादा फायदा होता है। इसके अलावा जो स्त्रियाँ शैम्पू यूज़ करती हैं या फेस पर कोई क्रीम वगैरह भी लगाती हैं, उसमें अगर आप एक एक दो दो बूंद गौमूत्र डालना चालू कर दें तो आपकी ज़िंदगी की हर अड़चन दूर हो जाती है। ये काम पुरुष भी कर सकते हैं। शेविंग वगैरह बनाते हैं उसमें कुछ ड्रॉप डाल लीजिए, तो आप देखना कितना चमत्कार होता है, क्योंकि इतनी पवित्र चीज़ें और सबसे बड़ी चीज़ें आप पर किसी ने कुछ किया कराया है, कुछ टोने टोट के कर दिए हैं, ब्लैक मैजिक कर दिया है, अगर आप इनमें बिलीव करते हैं तो इससे भी आपको निजात मिलेगी। इसके साथ साथ एक और उपाय आपको बता देती हूँ, आपको आदित्य हृदय स्रोत का 11 बार पाठ डेली करना चाहिए, तो आपका दबदबा हर जगह कायम रहेगा मित्रों, चाहे आपकी कुंडली में ग्रह की स्थिति कितनी भी खराब क्यों ना हो। लेकिन ग्रह की स्थिति खराब होती है तो व्यक्ति क्या करता है, किताब तो उठाएगा लेकिन पढ़ नहीं पाएगा। यही तो उसके ग्रह होते हैं जो उसको उस मुकाम तक नहीं पहुंचने देते। जिस दिन आप अपने अंदर को इतना मजबूत कर लोगे कि नहीं, मुझे करके ही छोड़ना है, मुझे ये काम करना ही है, दुनिया की इधर की उधर हो जाए पर मुझे ये काम करना ही है, फिर आप देखना आपकी कुंडली को आप किस तरह से बदल के रख सकते हो। जी हाँ, अपने ग्रहों को भी बदल के रख सकते हो। अगर किसी की कुंडली में गरीबी का योग है तो वो श्री सूक्त पढ़ने बैठेगा और अड़चन आ जाएगी, उसके घर में लड़ाई झगड़े चालू हो जाएंगे। शुक्रवार का व्रत तो वो कर ही नहीं पाएगा। अगर औरत करेगी तो पति झगड़ने लगेगा, पति करेगा तो औरत झगड़ने लगेगी, ऐसी स्थिति होती है, और ये सब दर्शाता है कि आपका शुक्र खराब है बुरी तरह से। तो ऐसे इस दृष्टि से बचने के लिए श्री सूक्त का डेली पाठ करना चालू कर दो। श्री सूक्त के कम 11 पाठ करने वाले के घर में कभी भी गरीबी नहीं आती है। भगवान उसको इस तरह के रास्ते दिखाते हैं जिसके ज़रिए उसके घर में बहुत ही पैसा आने लगता है, और ये कोई खोखले दावे नहीं है। आप एक बार ट्राई करके देखो, आप खुद चमत्कार को महसूस करोगे। तो यदि दबदबा चाहिए तो आदित्य हृदय स्रोत, यदि आपको पावर चाहिए, सत्ता चाहिए, हर जगह आपका व्यक्तित्व एक उभर कर सामने आए, आपको कन्फ्यूज़न ना रहे, आत्मविश्वास रहे कि हाँ जो काम आप कर रहे हो, तो आप सूर्य उपासना चालू करिए और आदित्य हृदय स्रोत का डेली 11 पाठ करना चालू कर दीजिए। अगर आपको शत्रु बाधा बहुत सता रही है, शत्रु ने आपका जीना हराम कर रखा है, बहुत ही परेशान कर रखा है, दुखी कर रखा है, तो आप बजरंग बाण के पाठ डेली चालू कर दीजिए।
लांगुलास्त्र स्रोत भी है हनुमान जी का, वो चालू कर दीजिए। इतना अमेजिंग परिवर्तन आपके ज़िंदगी में आने लगेगा जिसका आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और आपको पैसा चाहिए तो श्री सूक्त के 11 पाठ करो, डेली करो। कई लोग कहते हैं हमें समय नहीं मिलता, समय नहीं मिलता, तो समय तो निकालना पड़ता है मित्रों, समय तो निकालना पड़ता है।